बुलेटिन में आपनું स्वागत છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। પ્રદેશ ભાજપ પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવ આજે ભાજપના 112 ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરશે। બેઠક માટે તેઓ સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચશે। સાંજે 4:30 વાગે વિધાનસભાના ઓડિટોરિયમમાં યોજાનારી આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ અને પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ ઉપસ્થિત રહેશે। सूत्रों मानिए तो बैठक में 2022 की विधानसभा चूंटणी तैयारी अंगे पण चर्चा कराशे। आम आदमी पार्टीए राज्य की तमाम 182 बैठकों पर चूंटणी लड़वानी करेली जाहेरात अने पाटीदार अग्रणीओनी खोडलधाम में मळेली बैठक अंगे पण भाजपनी आ बैठक में चर्चा संभव छे। तो थोड़ी वार में ज आ तमाम धारासभ्यो जे छे तेमनी साथे वन टू वन बैठक थवानी छे। जो कि आज सांजे जे महत्वपूर्ण बैठक मळी रही छे प्रभारीनी अध्यक्ष स्थाने, तेमां पण महत्वपूर्ण चर्चा थवानी छे। अने थोड़ी वार में अमदावाद एरपोर्ट पर भूपेन्द्र यादव आवी पहुंचशे अने भाजपना 112 धारासभ्यो साथे तेओ बैठक करवाना छे। वर्तमान परिस्थिति अने संगठन ने लईने चर्चा थई शके छे। साबरडेरी अरवली में केटल फीड प्लांट स्थापशे। साकरिया में 150 करोड़ खर्चे प्लांट स्थापाशे। कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिली गई है। 18 एकर जमीन में प्लांट स्थापाशे। 8 महीना में प्लांटन काम पूर्ण थशे। नवा प्लांट थी हाजीपुरा केटल फीडन भारण घटशे। साबरदाणन उत्पादन थता दूध उत्पादक ने लाभ थशे। नवा प्लांट थी हाजीपुरा केटल फीडन उत्पादन पण घटशे अने साथे साथे नवा प्लांट थी केटल फीडनु जे भारण छे ए घटशे। साबरदाणनु उत्पादन थता दूध उत्पादकोने लाभ मळशे। साकरियामां 150 करोड़ना खर्चे आ प्लांटनी स्थापना करवामां आवशे। कैबिनेटनी बैठकमां तेने सैद्धांतिक मंजूरी पण आपी देवामां आवी छे। 8 महीनामां आ कामगीरी पूरी करावशे। 18 एकर जमीनमां आ प्लांट तैयार कराशे। लोकगायिका गीता रबारी बैठा रसी लेता विवाद थयो छे त्यारे कच्छ आरोग्य अधिकारी कृत्य ने खेदजनक गणाव्यू। देशना नागरिक तरीके गाइडलाइन नो भंग योग्य नहीं। आवी हरकतो थी लोकमानस पर विपरीत असर थती होय छे। आ हरकत थी कर्मचारी पासे खुलासो लेवानो वारो आव्यो। आरोग्यकर्मी पासे थी खुलासो लेवानो वारो आव्यो। आरोग्यकर्मी दिवस रात कामगीरी करी रह्या छे त्यारे आवी प्रकारनी घटना फरीवार न बने ते माटेनी ताकीद कराई छे। 2 दिवस पहला गीता रबारी ना फोटा वायरल थया हता। घरे बैठा रसी लई फोटा वायरल कर्या हता। छेल्ला 24 कलाकमां राज्यमां कोरोनाना 405 नवा केस आव्या। 1106 दर्दी रिकवर थया। 6 दर्दीना मौत थया। 7 जिल्लामां एक पण नवा केस नथी। मात्र 2 जिल्लामां 50 થી વધારે કેસ આવ્યા અને માત્ર 10 જિલ્લામાં ડબલ ડિજિટમાં કેસ છે। બોટાદ, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગ, મહેસાણા, પાટણ અને સુરેન્દ્રનગરમાં એક પણ કેસ નથી। મધ્ય ગુજરાતમાં ઓવરઓલ 85 કેસ છે। સૌરાષ્ટ્રમાં 132 કેસ છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં 14 કેસ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 109 કેસ આવ્યા। અમદાવાદમાં 47 કેસ, કચ્છમાં 5, ગાંધીનગરમાં 13 કેસ આવ્યા। અમદાવાદ ગ્રામીણમાં એક પણ કેસ નવો નથી આવ્યો। રાજ્યમાં હવે 9542 એક્ટિવ કેસ છે। 223 લોકો વેન્ટિલેટર પર છે। રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 10003 છે।